22 लक्ष लोकंकु सरकारी चाकरी, जीएसटी रो सरलीकरण, कृषि ऋण न सुझी पारिले कृषकंक विरोधरे रुजु हेबो नाही मामला। ए सबु लोभनीय प्रतिश्रुति रखी कांग्रेस जारी करिछि निर्वाचन इस्ताहार। रोजगार सृष्टि उपरे इस्ताहार रे विशेष गुरुत्व देछि कांग्रेस। या छोडा महत्वाकांक्षी निश्चित सर्वनिम्न आय उपरे मध्य गुरुत्व दिया जायछि। कांग्रेस क्षमता को आसिले विशेष सेनाधिकार आईन आफ्सपा उच्छेद करिबा को मध्य प्रतिश्रुति देछि कांग्रेस। लोकसभा निर्वाचन 2019 पई कांग्रेस जारी करिछि इस्ताहार। जन आवाज घोषणा पत्र नामक निर्वाचन इस्ताहार रे कांग्रेस कृषक गरीब एवं युवा पीढ़ी को देछि एकाधिक लोभनीय प्रतिश्रुति। प्रमुख प्रतिश्रुति मध्यरे रहिछि मनरेगा योजना जरिया 100 दिन परिवर्ते 150 दिन पई रोजगार व्यवस्था। महत्वाकांक्षी सर्वनिम्न निश्चित आय न्याय योजना मध्य इस्ताहार रे स्थान पाइछि। योजना अनुसार 20% अति गरीब परिवार को वार्षिक 72,000 टंका दिया। 2020 मार्च सुधा खाली पड़ा 22 लक्ष पदवी पूरण करा जीबो। जीएसटी सरलीकरण करा जीबो। देशर ग्राम पंचायत मानकर 10 लक्ष निजुक्ति सृष्टि करा जीबो। 3 वर्ष जाए नुआ व्यवसायी मानंको कौनसी प्रकार मंजूरी आवश्यकता पड़िबो नाही। जीडीपी 6% अर्थ शिक्षा क्षेत्र में विनियोग करा जीबो। युवक युवती मानंको निश्चित रोजगार प्रतिश्रुति मध्य दिया जायछि। गरीबी परिवार 72,000 और ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। कांग्रेस इस्ताहार रे कृषि और कृषक को खूब गुरुत्व देछे। कृषक ऋण परिशोध करि न पारिले सेमानक विरोध रे मामला रुजु हेबो नाही बोली प्रतिश्रुति दिया जायछे। सेहिपरि कांग्रेस क्षमता को आसिले साधारण बजेट सह कृषि लागि अलगा बजेट अणा जीवो। आभ्यंतरीण सुरक्षा प्रसंग रे इस्ताहार रे एक बड़ घोषणा करा जायछे। विशेष सेना अधिकार आईन बा आफ्सा उच्छेद करा जीवो बोली इस्ताहार रे प्रतिश्रुति दिया जायछे। अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है, 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पर्पस ऑफ द मैनिफेस्टो इज टू स्पेल आउट द विजन ऑफ द कांग्रेस पार्टी टू मूव फॉरवर्ड एट ए फास्टर स्पीड देन एवर बिफोर टू मूव टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमी एंड पॉलिटी। इस्ताहार को जन आवाज नाम नामित करा जायछे। एही इस्ताहार जारी बेले पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं साधारण संपादक प्रियंका गांधी प्रमुख उपस्थित थिले। एही निर्वाचन इस्ताहार प्रस्तुत लागि कांग्रेस देशर कोण अनुकोण को जाई विभिन्न वर्गर लोकंक सह आलोचना करथिबा दाबी करिछे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कांग्रेस लोकसभा निर्वाचन लागि घोषणापत्र जारी करिबा परे एहाकु नै प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। केन्द्र अर्थमंत्री अरुण जेटली कांग्रेस निर्वाचन इस्ताहार को समालोचना करि कहिछन्ति एहा देशर एकता लागि विपद सृष्टि करिवो। कांग्रेस रो विभाजनकारी गोष्ठी इस्ताहार प्रस्तुत करिछन्ति। सेबे कांग्रेस मुखपात्र रणदीप सुरजेवाला कहिछन्ति देशर गरीबंकु एथर मिलिबो न्याय आउ देशरे प्रथम थर पई कोनोसी राजनीतिक दल कृषि ओ कृषकंक लागि आनिबो स्वतंत्र बजेट। राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं और जो कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता, उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आपकी नीयत क्या है? ठीक है, छोटे मामलों में लोगों को जमानतें मिल जाती हैं, मैनिफेस्टो में लिखा है उसी पेज पे कि सीआरपीसी को बदला जाएगा
कि जमानत अब से नियम बन जाएगा और जमानत न देना केवल उसका अपवाद। तो कोई आतंकवादी, टेररिस्ट, बहुत बड़ा क्रिमिनल, यह तो न्यायपालिका का फंक्शन है। पर जिस देश में इतनी बड़ी संख्या बीपीएल की है, वहां फूड पे तो लगभग लगा ही नहीं सकते, तो एक रेट कैसे होगा? गरीब आदमी के लिए जो कपड़ा है, जो उसके लिए चप्पल है, क्या उस पे और एयर कंडीशनर पे एक ही रेट लगेगा? मतलब बिना जो नासमझी में वायदे किए जाते हैं, उन वायदों का कोई अर्थ नहीं होता। न्याय जो है वो शहर का गरीब हो या गांव का गरीब हो, सबको 72,000 रुपया सालाना देगी। देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को गरीबी के जंजाल से सदा सदा के लिए मुक्त करने, गरीबी हटाओ नहीं, ये गरीबी मिटाओ है। जनता के साथ, गरीब के साथ न्याय और गरीब को 72,000 रुपए की आय, यही हमारा नारा है। इसके साथ साथ आप ये देखें तो पहली बार किसी राजनीतिक दल ने कहा है कि खेती का बजट अलग होगा, किसान का अधिकार उसकी द्योड़ी पर रख कर दिया जाएगा। शायद कांग्रेस ने गंभीरता से भारत में गरीबों की संख्या, उन पर होने वाले खर्च और उनका सही आकलन नहीं किया, अन्यथा मेरे हिसाब से 360 नहीं जाके करीब 9,00,000 करोड़ तक जा सकता है। तो अब उसके लिए बजट में कहां से व्यवस्था होगी वो उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने शिक्षा पर बजट बढ़ाया है, इसमें उन्होंने स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाया है, सुरक्षा पर बजट बढ़ाने की बात की है, किसानों के ऋण माफी की बात की है, किसानों के लिए अलग बजट लाने की बात की है। तो अगर कहीं से कुछ कटौती होगी ही नहीं तो फिर ये धन कहां से आएगा? बिहार जमुई रे एनडीए लागी प्रचार करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान लागी प्रचार करिबा अवसर रे पीएम कहिछंती कांग्रेस बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर सबुठ अधिक अणदेखा करिछि। संरक्षण नीति को मोदी कौन कहीं भी शेष करे तेरे एने कांग्रेस और विरोधी अपप्रचार करेणु कड़ा जवाब देवा पीएम मोदी लोकों आह्वान देते। मोदी आहरी 70 वर्ष देश को शासन कर यदि कांग्रेस सबकि दावी कर तेज मात्र 5 वर्ष मध्य सबकि दावी किपर करेंगे। आरक्षण का विषय लेकर के आ जाते हैं, आपको डराते हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर लेगा। जब मोरारजी भाई की सरकार बनी तब भी ऐसी बातें की, जब अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसी बातें की, जब मोदी की सरकार बनी तब भी ऐसी बातें की, ये ऐसे ही झूठ फैलाते रहते हैं। पहले के चुनाव में भी हुआ है और इस बार भी ऐसा किया जा रहा है। भाई और बहनों, मैं बिहार के लोगों को, देश के पिछड़े समाज, आदिवासी समुदाय, दलित, इन सबको कहना चाहता हूं, इन लोगों द्वारा फैलाए जा रही अफवाह का मुंह तोड़ जवाब दे। तमिलनाडु निर्वाचन प्रचार करिछंती बीजेपी सभापति अमित शाह। एठारे से कांग्रेस एवं डीएमके ऊपर खूब बरसिछंती, कहिछंती बीजेपी सरकार आगामी 5 वर्ष धरी लोकंकर हित पाई चिंता करिवो, ठीक जेमिती एमजीआर एवं जयललिता लोकंकर हित पाई निजकु समर्पित करथिले। सेपरि पुलवामा आक्रमण पर भारतीय सेना एयर स्ट्राइक करि एहार प्रतिशोध नेउथबा बेले कांग्रेस एवं डीएमके पाकिस्तान सह आलोचना करबाकु चाहुचंती। तबे कांग्रेस इस्ताहार को ताश्चर्य करी अमित शाह कहिछंती समस्त को जामिन देवा को राहुल जो प्रतिश्रुति देइछंती ताहा केवल कार्ति चिदंबरम को लागी उद्दिष्ट। और अभी अभी राहुल गांधी की जी ने एक मैनिफेस्टो निकले, उसमें कहा है सभी को बेल मिल जानी चाहिए, किसी को जेल में नहीं रखना चाहिए। साहब कार्ती चिदंबरम के लिए ही उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर इसको डाला होगा। हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट रू हार्दिक पटेल को झटका लगी। पटीदार नेता हार्दिक पटेल तर निर्वाचन लड़ा एक प्रकार अनिश्चितता घर को चली जाए। सेठे प्रधानमंत्री मोदी सपक्ष में मंतव्य देखा राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह विरोध में
कार्यानुष्ठान लगे निर्वाचन कमिशन राष्ट्रपति अनुमति मागिछन्ति। सेपरी मतदान 48 घंटा पूर्व कौनसी राजनैतिक दल प्रेसमिट करिपारिबे नाही बोले निर्वाचन कमिशन निर्देश देइछन्ति। निर्वाचन हालचाल देखिबा ए सबु खबर। हार्दिक को सुप्रीम झटका, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को देशर सर्वोच्च न्यायालय झटका देइछन्ति। लोकसभा निर्वाचन लागि प्रार्थीपत्र दाखल करिबा समय चली जाउथिबारु पटीदार नेता हार्दिक निर्वाचन लड़ीबा पाइ गुजरात हाईकोर्ट को राय को चैलेंज करी सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करिथिले। हेले एही मामला रे तत्काल सुनाणी करबा को सर्वोच्च न्यायालय मना करिछंती। मामला रा परवर्ती सुनाणी आगामी 4 तारीख रे हेबो। 2015 रो एक दंगा मामला रे दोषी साबित होइथिबा हार्दिक पटेल तांको दंडादेश उपरे रहितादेश लगाइबा पाइ सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करिथिले। हार्दिक का विरोध रे अनेक मामला रहिछि तेणु से निर्वाचन लड़ी पारे हाइकोर्ट कहते। बढ़ला कल्याण अड़ुआ, निर्वाचनी आचरण विधि उल्लंघन नहीं राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह को अड़ुआ बढ़ी। उत्तर प्रदेश में होता एक बदय मंतव्य को निर्वाचन कमिशन कल्याण सिंह असंतुष्ट। अच्छा निर्वाचनी आचरण विधि उल्लंघन नहीं कमिशन राष्ट्रपति चिठी लिखिंट। यासह कल्याण सिंह विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने लगे निर्वाचन कमिशन राष्ट्रपति अनुमति मागिछि। मार्च 25 तारीख दिन अलीगढ़ में कल्याण सिंह बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपक्ष में मंतव्य दे विवाद खेर को आसिथिले। संजय राउत को ईसी नोटिस, आचरण विधि उल्लंघन नहीं शिवसेना सांसद संजय राउत को नोटिस जारी करिछि निर्वाचन कमिशन। शिवसेनार मुखपत्र सामनार संपादक संजय राउत निजर एक लेखार कन्हैया कुमार को उपरे विवादय टिप्पणी करिथिले। बिहार बेगुसराय आसनर सीपीआई प्रार्थी कन्हैया कुमार को परास्त करिबा दरकार आउ एथिपई दरकार पड़िले बीजेपी ईवीएम मशीन रे टैंपरिंग मध्य करिबारे किछि असुविधा नाही। एने ईसी संजय को नोटिस जारी करिछि। 48 घंटा आगरु संवादिक सम्मेलनी मना, मतदान 48 घंटा पूर्व राजनैतिक दल नेता माने संवादिक सम्मेलनी करि पारिबे नाही। यहा सह प्रिंट ओ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रे भी देई पारिबे नी साक्षात्कार। निर्वाचन आयोग द्वारा एही निर्देश जारी करा जायछि। देशर 41 राजनैतिक दल को एही निर्देश जारी करा जायछि। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त दल मानू कमानक नेता और कार्यकर्ता मानू सचेतन करने को पड़ कि भोटदान 48 घंटा पूर्व नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करे। दुई लोकसभा और सात विधानसभा आसन प्रार्थी तालिका घोषणा करजेडी। ढेकाना लोकसभा आसन प्रार्थी होती महेश साहू। सेपरि केन्दुझर लोकसभा लड़िबे चंद्राणी मुर्मू। सेपटे आठमल्लिक विधानसभा आसन रमेश साय, पाल लहड़ारु मुकेश पाल, खंडपड़ारु सौम्यरंजन पटनायक, भुवनेश्वर मध्यरु अनंत नारायण जेना, भुवनेश्वर उत्तररु सुशांत कुमार राउत, जाजपुरु प्रणव प्रकाश दास एवं कोरे विधानसभा आसन अशोक बड़ंगु प्रार्थी करिछि बीजेडी। आठमल्लिक विधायक संजीव साहू को टिकेट कटा जाय सेठारे रमेश साय को टिकेट दिया जायछि। सेपरि कोरेरु आकाश दास नायकों टिकेट कटा जाय सेठारे अशोक बड़ों को प्रार्थी करिछि बीजेडी। भुवनेश्वर उत्तररु प्रियदर्शी मिश्रंकर टिकेट कटा जाय सेठारे सुशांत कुमार राव को प्रार्थी करा जायछि। सेपरि भुवनेश्वर मध्यरु विजय महांतिंक स्थान रे पूर्वतन मेयर अनंत नारायण जेना को प्रार्थी होइछंती। सेपरि खंडपड़ा अनुभव पटनायक स्थान रे सौम्यरंजन पटनायक को टिकेट दिया जायछि एवं पाललहड़ारु महेश साहू को कतांक स्थान रे मुकेश पाल प्रार्थी होती। नाउ टू द टू लेफ्ट आउट पार्लियामेंट सीट्स, श्री महेश साहू आर सीनियर लेजिस्लेटर फ्रॉम पालाहाड़ा वुड बी आर लोकल कैंडिडेट फ्रॉम द ढेंकनाल पार्लियामेंट्री सीट। मिस चंद्रानी मुर्मू द यंग टेक्नोक्रैट फ्रॉम क्योंझर
will be our Lok Sabha candidates from Gyeongju parliamentary seat. BJD has promised 33% for women, and I am happy to say we shall stand by our promise. Now for the assembly seats. Bhubaneswar Central, Sri Anant Narayan Jena, Bhubaneswar North, Sri Sushant Kumar Raut, Khanpada, Sri Soumya Ranjan Patnaik, Palahara, Sri Mukesh Pal, Art Malik, Sri Ramesh Chandra Sai, Jharpur, Sri Pranab Prakash Das, Korai, Sri Ashok Bal. Thank you. चौकीदार स्लोगान रे कंपिला मोदी को भवानी पटना समावेश समस्तों को चौकीदार हुई देश सेवारे व्रती हेबा को आह्वान देछंती प्रधानमंत्री भवानी पटना रे बीजेपी रा विजय संकल्प समावेश रे केंद्रीय योजना रा चिट्ठा रखिबा सह राज्य सरकार को ऊपर प्रबल बरसिछंती मोदी कहिछंती बीजेडी सरकार गरीब और कृषकों को शत्रु पीएम किसान योजना रा लाभ ओडिसा चासिंग को मिलुछि केंद्र और चासिंग को मध्य रे राज्य सरकार पाचेरी होई छडा होइछंती एथर ओडिशा रे क्षमता परिवर्तन पाई आह्वान देछंती मोदी ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसिले गरीबी हटिबो बोली मोदी कहिछंती कांग्रेस को भी टारगेट करिछंती प्रधानमंत्री कहिछंती पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कोलाहांडी गस्तरे आसी कहिथिले दिल्ली रु टंकाटी आसिले जनता को पाखरे 15 पैसा मिलुछि किंतु एबे दिल्ली रु आसुथबा सबु पैसा लोकों को पाखरे पहुंचुछि वाजपेयी को समय रु आरंभ होइथिबा विकास धारा को तांको सरकार बजाय रखिछंती केंद्र की हमारी सरकार के कार्यों से देश में गरीबी कम हुई है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद यहां पर भी गरीबों की स्थिति में सुधार हम बहुत तेजी से ला पाएंगे। गरीब को उन्होंने वोट बैंक समझा है, जो चुनाव दर चुनाव इनके साथ बहुत विश्वास से जुड़ा और उन्होंने हर चुनाव के बाद गरीब को धोखा दिया है। जब दिल्ली में कांग्रेस ने रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बनाई तो फिर ये माना कि एक रुपये भेजने पर 15 पैसे नहीं, अब बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा बहुत सुधार हुआ है, राजीव जी के जमाने में 15 पैसे जाते थे, अब हमारे जमाने में 16 पैसे जाते हैं। यानी करीब 25 साल में कांग्रेस के पंजे ने ओडिशा को देश के गरीबों को सिर्फ 1 पैसे की राहत दी। 1 पैसे मोदी को समालोचना रो जवाब रखी बीजेडी राज्य रे बीजेपी रो डबल इंजन फॉर्मूला और काम देवनी बोली कहिछंती बीजेडी मुखपात्र सुस्मित पात्र सेबडे कांग्रेस कहिछि मोदी को भय केवल कांग्रेस को 2019 निर्वाचन रो जो बाहास्पट डबल इंजन रो एडा कार्य करिवो नै ओडिशावासी गोटे इंजिन को जानते सी होती श्री नवीन पटनायक जे दृढ़तार सह संपूर्ण निष्ठार सह ओडिशावासी भलपाई गत 19 वर्ष है कार्य कर इंजिन सिंगल इंजिन 2019 निर्वाचन में आउ थे निर्वाचित हम विजु जनता दल और ओडिशावासी आशीर्वाद क्रमे पंचम थर पर माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हे मोदी आज क्या गाड़ी दिखते भय क्या क्या सागर कंपिटिशन हो कांग्रेस दल सहित हो कांग्रेस को गाली देवे नहीं कौन एणिकी घर क्षेत्र में काम करुवा कर्मचारी पेंशन दुई गुणु अधिक होने पथ परिष्कार एने सुप्रीम कोर्ट केरल हाइकोर्ट को राय कायम रखिंट अवसर पर कर्मचारी अंतिम दरमा भित्ति में पेंशन मिलवा जरूरी बोली केरल हाइकोर्ट ईपीएफओ को आदेश देते केरल हाइकोर्ट को आदेश विरोध में ईपीएफओ पक्ष सुप्रीमकोर्ट में आवेदन करु सुप्रीमकोर्ट आवेदन खारज कर एपर्यंत ईपीएफओ निर्धारित सीमार कर्मचारी पेंशन दे आसुची सर्वाधिक 15,000 टंका दरमा को वृत्ति करी ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन देउची किंतु सुप्रीम कोर्ट को राय परे एहा बदली जिवो अवसर पर कर्मचारी अंतिम दरमा भित्तिरे पेंशन मिलवा जरूरी बोली केरल हाइकोर्ट ईपीएफओ को आदेश देथिले केरल हाइकोर्ट आदेश विरोध में ईपीएफओ पक्ष सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करा जायथिला किंतु सुप्रीम कोर्ट आवेदन खारज कर
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇପିଏଫ୍ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇ ଆସୁଛି। ସର୍ବାଧିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇପିଏଫ୍ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଏହା ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ 2,372 ଟଙ୍କା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 30,592 ଟଙ୍କା ହେବ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦରମା ମାସିକ 50,000 ଥିବ ଓ ସେ 30 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ତାହାହେଲେ ସେହି ହିସାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 22,857 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ଥିଲା 4,525 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତ୍ତିରେ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟ 5-10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 2014 ଏକ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଗଣନା 6,400 ପରିବର୍ତ୍ତେ 15,000 ଭିତ୍ତିରେ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା ଇପିଏଫ୍ଓ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ପେଞ୍ଚ ବି ଥିଲା। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଗଣନା 5 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ଦରମା ଭିତ୍ତିରେ ହେବ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା ଇପିଏଫ୍ଓ। ପୂର୍ବରୁ ଇପିଏଫ୍ଓର ଏହି ନିୟମ ବିରୋଧରେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା। କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ନେବାର ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଦରମା ପାଉଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ପେନ୍ସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ଇପିଏଫ୍ଓ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 5 ବର୍ଷର ନିୟମ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ କି କାୟମ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ୟୁପିରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ପି ସୁପ୍ରିମୋ ମାୟାବତୀ। ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାୟାବତୀ। ବିଧାନସଭାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ କିପରି ଅସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ମାୟାବତୀ କହିଛନ୍ତି। ମାୟାବତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବିଏସ୍ପିର ଚିହ୍ନ ହାତୀ ସହ ବିଏସ୍ପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କାନ୍ସିରାମ ଓ ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ମାୟାବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ସହ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାୟାବତୀ କରଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଜେପି ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା।